ए गाइज असलम टुडे आई वांट टू डीमिस्टिफाई अ वेरी इम्पोर्टेंट मिथ्स रिगार्डिंग फिटनेस एंड वेट लॉस एक ऐसी कंफ्यूजन वेट लॉस एक्सपर्ट्स ने हमारे दरमियान फैला दी और बड़ी देर से ये मिथ चलती आ रही है कि जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हमें और इनफैक्ट जो हम रिज़ल्ट अचीव करना चाह रहे थे यानी कि वेट लॉस और किस तरह का सस्टेनेबल वेट लॉस मेंटेनेबल वेट लॉस और हेल्थफुल वेट लॉस ये हमारे टारगेट्स थे लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि इन वेट लॉस एक्सपर्ट्स ने हमें ये चीज़ बताई कि आपने दिन में छोटे मील्स सारा दिन खाते रहने यानी कि सारा दिन चरने से इनका कहना ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है जिससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ टुडे आई एम गोइंग टू डी मिस्टिफाई एंड डिस्ट्रॉय दिस मिथ फॉर एवर बट बिफोर आई डू दैट मेन बात जो समझने की है कि हमारे वेट लॉस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हमें सिखाई कि जो अब हम उनको कुरान और हदीस का दर्जा देना शुरू हो गए हैं प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग कहने का मतलब ये है कि हम इन सारी बातों को ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे इनको हम क्वेश्चन करें बगैर दोबारा से दोबारा रिपीट करते हैं और अगर कोई और बात इसके अगेंस्ट की जाए तो उसको हम बुरा मानते हैं और अगले को भी बुरा जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जो बात आपको बताई गई है जो बात आप वेट लॉस के ज़िमरे में सीखते आए हैं वो दुरुस्त थी तो लम्हा फिक्रिया ये है लॉजिकल अप्रोच ये है कि अभी तक जितनी आपने वेट लॉस की इन गाइडलाइंस को फॉलो किया उससे आपको कितना रिजल्ट मिला तो अमूमन ये कहा जाता है कि इंसान अपने आप को ब्लेम करता है कि मैं फेलियर हूँ मैंने ही उस चीज़ को मेंटेन नहीं किया मैंने ही उस रूटीन को फॉलो नहीं किया मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है यानी कि फिटनेस इंडस्ट्री ने यह हमें समझाया कि अगर तो वेट या कोई और गोल आपका फिटनेस का था और वो नहीं अचीव हुआ तो वो कसूर आपका है उस गाइडलाइन का कसूर नहीं है क्योंकि वो एक अनकोश्चनेबल uh, अप्रोच है एंड दैट इज रॉन्ग सो आज जो मैं बात करने जो जा रहा हूँ वो क्या है कि स्मॉल मील्स इज बेटर फॉर वेट लॉस देन एनी थिंग एल्स नाउ लेट्स स्टार्ट डिंग दिस थिंग कि जो आप छोटे छोटे मील्स रोज खा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि उससे आपका मेटाबलिज्म बूस्ट हो रहा है इन फैक्ट यू आर डूइंग योर मेटाबलिज्म अ डिससर्विस और आपके इस करने से आपके मेटाबॉलिज्म और आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है वाई लेट स्टार्ट डिस्कसिंग दैट जब आप छोटे मील्स थ्रू आउट द डे आप अपना मील्स खाते हैं तो ये एक बड़ा इम्प्रैक्टिकल और बड़ा मुश्किल तरीका है क्योंकि आपने हर घंटे दो घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है एज़ पर प्लान और ये जो वेट लॉस एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं तो उसमें क्या है कि हर दो घंटे के बाद कोई स्नैक लेना है या मील लेना है अब आप ख़ुद सोचें कि एक इंसान जो ज़िंदगी के हिजब मामूल में बिजी है और वो अपनी ज़िंदगी के की बिज़ीनेस के अंदर बिजी है तो वो इन चीज़ों का हिसाब कैसे रखेगा हाउ विल इट बी प्रैक्टिकल फॉर यू और अगर ये देखा जाता है कि जो चीज़ प्रैक्टिकल ना हो चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है जब वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सस्टेन नहीं की जा सकती और जो चीज़ सस्टेन नहीं की जा सकती उसका रिजल्ट भी नहीं रहेगा पहली बात दूसरी बात ये कि जब आप छोटे छोटे मील्स लेते हैं तो यू लूज़ ट्रैक ऑफ हाउ मच फूड यू हैव ईटन आई मीन थिंक अबाउट इट कि क्या आपको याद है कि आपने जो चार घंटे पहले मील नंबर टू लिया था उसमें आपने क्या खाया तो यूजुअली होता ये है कि जब आप छोटे छोटे मील्स खा रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है यू लूज़ ट्रैक ऑफ वर्ट यू ईटन उससे क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी कैलोरीज को अनजाने में खींचना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके पास ट्रैक कोई है ही नहीं तो जब आपके पास कोई ट्रैक नहीं है और आप अपने आप को सबकॉन्शियसली ये कन्विंस कर रहे हैं कि मैंने बहुत खा लिया है तो उससे क्या होता है कि आपके कम खाने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी कैलोरीज कम होने की वजह से डिफिशेंसीज़ होती हैं और जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तबाह होना शुरू हो जाता है तीसरी बात कि जब आप छोटे छोटे मील्स की अप्रोच को लेकर चलते हैं तो उसमें खाने की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है क्योंकि अगर आपने मिसाल के तौर पर दिन में पाँच या छः छोटे मील्स लेने हैं तो उस हर मील की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और क्वालिटी को मेंटेन करने का क्या मतलब है कि ईच मील शुड हैव द काइंड ऑफ फूड्स दैट विल प्रमोट हेल्थ एंड इट विल प्रमोट मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट आर दीज फूड्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स फूड्स दैट विल इम्प्रूव योर डाइजेशन फूड्स दैट विल बैलेंस योर हार्मोन्स तो उसके अंदर आपके डाइटरी फैट्स भी आते हैं गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं गुड क्वालिटी प्रोटीन्स भी आती हैं फाइबर थ्रू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी आते हैं तो ये एक डिकोरम है ये हर एक मील का कि जब आप उसको उसकी क्वालिटी को मेनटेन करते हुए उनके फूड ग्रूब्स को प्रॉपरली देखते हुए जब आप चीज़ों को चलाएँगे आगे तो उससे आपके हारमोनल बैलेंस पे आपकी मेटाबॉलिज्म पे और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बेनिफिशल इफेक्ट आएगा लेकिन आप इतने मील्स खा रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैंटेन क्वालिटी एंड माई लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस लास्ट आर्ग्यूमेंट रहा था दायंस अब हमें यह बता रही है कि जितने मील्स आप जब जब खाते हैं तब तब आपकी ऐसा एक ऐसा हॉर्मोन है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन वो स्पाइक होता है सो so, जब जब आपने चाहे वो बड़ा मील है चाहे वो छोटा मील है जब आपने वो खाया तो आपकी इंसुलिन बॉडी के अंदर स्पाइक करेगी और इंसुलिन को हम कहते हैं कि ये एक इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है जिससे फैट प्रोमोट होती है जितनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी उतनी फैट प्रोमोशन के फैट स्टोरेज के चांसेस होंगे सो so, हम जब वेट लॉस की तरफ आते हैं और सस्टेनेबल और हेल्थफुल वेट लॉस की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें लो इंसुलिन स्टेट्स में ऑपरेट करना ज़रूरी है मीनिंग के हमारे जो मील की जो फ्रीक्वेंसी है या जो भी हम खा रहे हों उसके अंदर इंसुलिन कम से कम प्रोड्यूस हो और ये ही कॉन्सेप्ट फास्टिंग के सर्कल्स में साइंटिफिकली यूज़ किया जाता है तो आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी से साइंस से भी और बहुत सारी चीज़ों से आपकी रिलेट करती है सो द सोलूशन इज़ दैट यू डू नॉट नीड टू हैव

तरह आप किन किस सिचुएशन में अपने मील्स को ट्रैक कर सकता हूँ छः मील्स को ट्रैक करना या दो या तीन मील्स को ट्रैक करना सो वट वट द नीड ऑफ टाइम इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू हैव आई नीड टू हैव अ सिंपलर अप्रोच आई नीड टू ऑपरेट इन लो इंसुलिन स्टेट्स और इसका सबसे सिंपल तरीके कार क्या हो कि मेरा जो एक मील है मैंने अब चूँकि अब हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि हम दो या तीन मील्स पे जाएंगे तो हर मील्स के अंदर हर मील के अंदर फैट्स की क्वांटिटी होनी चाहिए इट कैन कम्स थ्रू कम थ्रू नट्स और ओलिव ऑयल या कुछ इस तरह की चीज़ प्रोटीन फ्रॉम मीट सोर्स रेड मीट से आ रही हो सब्जियां कोई भी आप ले सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप आ, कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट जो कि अच्छी क्वालिटी मैदा ना हो बाकी सोर्सेज से आप ले सकते हैं तो ये आपका एक मील कम पांच से कम आपको पाँच से छः घंटे तो चलाएगा तो जब आपको पाँच से छः घंटे चलाएगा यू विल बी ऑपरेटिंग इन लो इंसुलिन स्टेट्स और इसका एक और फ़ायदा पता क्या होएगा कि आपकी बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म इस चीज़ को पिक करेगा कि आई नीड टू यूज़ बॉडी फैट एज एन एनर्जी सोर्स नाउ दिस इज सच अटिकल पॉइंट अगर मैं बाकी सारी आर्ग्यूमेंट को एक तरफ रखू ना और इस आर्ग्यूमेंट को सामने रखूँ तो ये इन इट सेल्फ इज अनर क्या के जब आप थोड़े मील्स लेते हैं जब आपकी मील्स की फ्रीकुन्सी कम होती है यू आर टेलिंग और गाइडिंग योर मेटेबलिज्म टू यूज बॉडी फैट एज एन एनर्जी सोर्स और ये बात समझ लें कि 99% लोग जो अपनी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वेट को मेंटेन करने की या लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनका मेटाबॉलिज्म के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए जो कि नेचुरली नहीं होती क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा जो एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर डिपेंड करता है जो कि आपको प्रोटीन से या मेनली कार्बोहाइड्रेट से आती है बट जब आप अपनी मील्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो अब आपके मेटाबॉलिज्म कहाँ से एनर्जी निकाल रहा है बॉडी फैट से और उससे क्या होगा कि आपके मील्स की फ्रीक्वेंसी कम होएगी आपकी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होएगी मीनिंग आपकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होएगी आपकी बॉडी लो इंसुलिन स्टेट्स पर ऑपरेट कर रही होएगी और आपका मेटाबॉलिज्म एनर्जी मेनली कहाँ से लेना शुरू कर देगा बॉडी फैट से सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन नो मैटर हाउ यू लोक एरिट नाउ दैट यू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन अब सवाल ये बनता है कि क्या आप इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे या आप उसी सोच में बैठे रहेंगे कि जो आपको तरीके का सिखाए गए हैं जिससे आपको रिपीटडली फेलियर मिला है सो द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग नॉलेज द क्वेश्चन इज टू बिलीव इन इट एंड टू इम्प्लीमेंट इट सूनर दैन लेटर सो यू कैन स्टार्ट बेनिफिट बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज गाइडलाइंस